हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स एंड करंट अफेयर नोट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 करंट अफेयर्स को। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप ऐसी और वीडियोज़ चाहते हैं फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलो आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट पॉइंट फॉर टूडेज़ करंट अफेयर इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर एक पोस्टल स्टैम्प डेवलप की है। किस वजह से डेवलप की? ऑन 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन, बिकॉज स्मॉल पॉक्स को ये कहा गया है कि वो पहली और ऐसी ह्यूमन डिसीज़ है जिसको ग्लोबल लेवल पर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक इंस्पिरेशन, एक ऑनर दिया गया है जो भी रूरल डॉक्टर्स हैं या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने इसको इरेडिकेट करने की कोशिश करी, यानी स्मॉल पॉक्स को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करी है। तो ये जो ऑनरेबल है वो किसकी तरफ से दिया गया? वर्ल्ड लीडर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एंड ये सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन भी क्रिएट कर रही हैं उन पीपल के लिए जो कि इस टाइम करेंटली COVID-19 को फेस कर रहे हैं। द सेकेंड पॉइंट फॉर टुडेज़ करंट अफेयर इज़ यूपी गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। ये एक मल्टीपर्पज़ ऐप है जिसका एम है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स को माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुँचाया जाए, साथ साथ ही उनके हेल्थ को मॉनिटर किया जाए और ये भी देखा जाए कि उनके पास अप्रोप्रिएट जॉब्स, रहने के लिए जगह है या नहीं, और जो भी उनके स्किल्स हैं उसको कैसे और डेवलप किया जा सकता है। इसके ऊपर स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस ऐप में वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पर्सन का नेम क्या है, क्वालिफिकेशन, टेम्प्रेरी एंड परमानेंट एड्रेस, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है। इन सब चीज़ों के थ्रू वो कैटेगराइज़ करते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका करंट स्टेटस क्या है और कैसे उनको राशनिंग की जाए, कैसे उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाए। वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस ऐप इज़ कि ये जो ऐप है वो ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑफलाइन वर्क कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नीति आयोग CEO अमिताभ कंत ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो प्राइवेसी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी पर्सन्स का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उस डेटा को प्राइवेट रखना है एंड मेक श्योर कि वो सिक्योर रहे। सिर्फ उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उसको शेयर किया जाएगा जो कि कोरोना वायरस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं, एल्स किसी और को अथॉरिटी नहीं होगी उस डेटा को यूज़ करने की या चेक करने की। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो भी पर्सन्स का कॉन्टैक्ट या लोकेशन को ट्रेस किया गया है अगर वो 45 डेज़ के अंदर अंदर उनका कोरोना वायरस टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में जो इन्फॉर्मेशन उनकी कलेक्ट की गई थी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी विद इन दैट पीरियड ओनली। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने COVID-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए दी हैं कि सभी स्टेट्स ये देखें कि उनके एरिया में कोई भी पर्सन जो है वो स्मोकलेस टबैको को यूज़ करता हुआ ना दिखे, क्योंकि उससे चांसेस हैं कि कोरोना वायरस जो है वो और स्प्रेड हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया ऑन स्मोकलेस टबैको प्रोडक्ट्स एंड स्पिटिंग सो दैट कोरोना वायरस को हम कंट्रोल कर सकें। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि इंटरनेशनल नर्स डे को एवरी ईयर 12 मई को ऑर्गेनाइज किया जाता है टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हर साल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज जो हैं हर एक अलग अलग थीम के साथ आते हैं ताकि वो नर्सेज को ऑनर कर सकें। तो 2020 की जो थीम उन्होंने चूज़ करी है वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। सो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।